मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बीच भाजपा को एक और बड़ा झटका लगा है। चुनाव के दौरान बीजेपी से नाराज चलने वाले नेताओं की कांग्रेस में शिफ्टिंग जारी है। इसी बीच श्योपुर और दमोह में बीजेपी में फिर से बगावत देखने को मिली है। इस बार श्योपुर से भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य एवं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष दौलत राम गुप्ता ने पार्टी छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। बता दें कि श्योपुर में बीजेपी उम्मीदवार पूर्व विधायक दुर्गालाल विजय को फिर से टिकट दिए जाने को लेकर ये सभी सीनियर नेता नाराज चल रहे थे। श्योपुर में कांग्रेस उम्मीदवार बाबू जंडेल की सभा में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के सामने श्योपुर के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष दौलत राम गुप्ता, पूर्व बीजेपी जिलाध्यक्ष राधेश्याम रावत और श्योपुर जनपद की अध्यक्ष रीना आशीष मीना समेत अन्य समर्थकों को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। तो वहीं दूसरी तरफ दमोह में बीजेपी को लगातार झटके लग रहे हैं। इस बार एक मंडल अध्यक्ष के साथ सैकड़ों भाजपाइयों ने कांग्रेस का दामन थामा है। अब तक कई नेता भाजपा को अलविदा कह कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। पीएम मोदी की रैली से उम्मीद जताई जा रही थी कि मोदी मैजिक काम करेगा, लेकिन पीएम मोदी की रैली के तत्काल बाद ही फिर से भाजपा को एक बड़ा झटका लगा। दमोह विधानसभा के अभाना मंडल के भाजपा अध्यक्ष डालचंद कुशवाहा के साथ 400 भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ली है।